साहब खिताब फरमा रहे हैं, समाज फरमाइए। Thank you.
पितृ के साथ उसी पसंदीदा अमल को दीन हक के लिए भी पसंद करे, इस्लाम के लिए भी पसंद करे। इंसान मदनी जो तबा है, जिनका जीने का आदि है, इस इंसान के लिए उन जरूरी है, मोहब्बत के बगैर जी नहीं सकता। और वो मोहब्बत जो दिन रात सुबह शाम हर आदमी चाहता है कि अपनी पसंद और नापसंद से जिसको पसंद करता है उससे मोहब्बत करे, जिसको नापसंद करता है उसे नफरत करे। ये अमली जिंदगी है और हम इस अमली जिंदगी में यह महसूस करते हैं कि हर साहिब अख्तियार, हर हाकिम, हर आला उसको चाहे मुल्क उसको दोस्त रखे, मुल्क वाले उसी से मोहब्बत करें। तदाहूर्य कहा जाता है, तमन्ना ये रहती है कि वफादारियां अकेले उस इंसान से रहे जिसके हाथ में तकरार है। तमन्ना है कि कोई उस फर्द वाहिद से बर्ताई न करे जो मुल्क पर अपने इख्तियार के साथ हर दौर में, हर जगह, हर मुल्क में लेकिन बाकी ये है कि देखो हाकिम से मोहब्बत करो और उस मोहब्बत में गैर हाकिम को शहीद न होने दो। मुतालिबा ये है कि जिसके पास वक्त का इख्तदार है बस उसी को चाहो, जिसको वो दुश्मन रखे, जिसको वो नजरों से गिरा दे, जिसको वो रास्ते से हटा दे, जिसको वो उठा दे, खबरदार अब उससे दोस्ती न रखना। रात और दिन आपका मुशाहिदा है, मैं आपके मुशाहिदे से हर के बातें नहीं जाता। मुझे अजीब रहा हो, जमाना बदला, जमाना बदला, वो इज्जत निगाह हाकिम में खत्म हुई। अब आवाज से यही ताहिर की जाती है, खबरदार अगर हाकिम से मोहब्बत है तो उससे मोहब्बत न हो। हम और फिर हमारा गैर नहीं, नाम है मोहब्बत वतन का, नाम है मोहब्बत मुल्क का, नाम है वतन से वफादारी का, नाम है मुल्क की जमीन से वफादारी का। लेकिन इंफरादी पसंद है, जो इख्तदार की मंजिल पर आए दुनिया कोई अजूबा तो नहीं है, ये कोई गरीब तो नहीं है ये फिक्र, और अगर नहीं है तो फिर क्यों इसी अमर को दीन के लिए पसंद नहीं करते। No, no, no.
किसी अमीर को दीन के लिए पसंद नहीं करते। और अगर साहिब इख्तदार कुल के जिसके पास कुदरत मुतलका है, अगर वो ये डिमांड करे, अगर वो ये मुतालिबा करे कि कुल इनकान आबाओकुम व अबनाओकुम व इख्वानोकुम व अज़वाजोकुम व अशीरतोकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह। कहे तो ऐ रसूल, अगर माँ बाप की मोहब्बत, अलवाज की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, घरों की मोहब्बत, तिजारतों की मोहब्बत, जमीनों की मोहब्बत, अल्लाह की, उसके रसूल की और उसके राह में जिहाद की मोहब्बत से अगर ये मोहब्बतें बढ़ जाए, हेलो अमरे खुदा आ रहा है। आप क्यों घबरा गए, आप क्यों परेशान हो गए, जब दुनियावी इख्तदार का यह तकाजा हो कि देखो मुझसे मोहब्बत रखना, वफादारी मेरी जात से हो, मेरी जात से हो। हलफ तो उठाया जाता है नाम मुल्क वतन पर, मगर बातिन में कोई और अम्र कार फरमा होता है कि मुल्क का कोई सिंबल है, वतन का कोई सिंबल है, पूरी ताकतों का कोई मुजहिर है जाहिर करने वाला। रखना अगर उसका कोई दुश्मन हो और उससे भी मोहब्बत हो और इससे भी मोहब्बत, तो दुनिया कहती है हिपोक्रेट है, मुनाफिक है। हाकिम को भी दोस्त रखो, हाकिम के दुश्मन को भी दोस्त रखो, दिन को हाकिम से मिलो, रात को हाकिम के दुश्मन के घर जाके बातें करो, क्या हुकूमत बर्दाश्त करती है? नहीं, जिसको हाकिम नजरों से गिरा दे, खबरदार उसके घर में न जाना, खबरदार पुकार के उसका तस्करा न करना, दीवार हम गोश डालें, खबरदार उसके मुताल्लिक कोई अच्छे अल्फाज जबान से न निकले। ये दुनिया है, अगर ये दुनिया है तो इसको दीन के लिए क्यों पसंद नहीं करते? कुदरत ये कहती है कि कह दो ऐ रसूल, अगर अपने माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अजवाज की मोहब्बत, तिजारतों की मोहब्बत, मसाकिन की मोहब्बत, रहे हुए मकानों की मोहब्बत, अगर खुदा और उसके रसूल और जिहाद की सबीलिल्लाह की मोहब्बत से अगर ये मोहब्बतें बढ़ जाए, तो ठहरो ठहरो, अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है। दुनियावी अजाब को तो तुमने देखा, तुम्हारा मुशाहिदा है बदलते हुए हालात में, मालूम नहीं तुमने क्या कुछ देखा है। लेकिन कुरान की आयत जब पढ़ू तो अजब न करो, ये कुरान की आयत जिसके सामने पढ़ोगे वो तो कहेगा मेरे भी दिल की यही तमन्ना है, मुझे चाहो, मेरे घर को न चाहो। रसूल माँ बाप को दोस्त न रखें और अदल रखें तो मोहब्बत मेरी मोहब्बत के बराबर न हो, औलाद को अजवाज को दोस्त न रखें और अदल रखें तो देखो कहीं मेरी मोहब्बत से ये मोहब्बत न बढ़ जाए। माना जा, माना ये कि रसूल इनसे ये कह दो कि अगर मेरी मोहब्बत से इनकी मोहब्बतें मुजाहिम हो रही हैं, टकरा रही हैं, यानी अगर बेटा ये कहे कि या मुझे चाहो या खुदा को, बीबी ये कहे कि मुझे चाहो या अम्र खुदा को, तिजारतें अगर ये कहे या हम मुझको चाहने की फुर्सत पैदा करो या फिर खुदा के हो जाओ, तो रसूल कह दो अगर ये फैसला दुरुस्त न हो सका तो अम्र खुदा करीब है, अजाब आएगा।
अंदाजा आपको हो चुका होगा, यानी अब एक मंजिल फिक्र है। इख्तियार की तमन्ना ये है कि हमको दोस्त रखो, हमको। बहुत गौर से सुनिए, चंद ही जुमले हैं। हमको दोस्त रखो। हम कौन है? जब तक शाही थी वो हम शाही, जब तक आमेरियत थी वो हम आमिर, और जब से जमहूरियत आई तो अब कुछ हमसे मुराद तो जमहूर होना चाहिए ना। जमहूर होना चाहिए, लेकिन ये कहा गया कि चूंकि जमहूर ने एक को चुन लिया, इसलिए अब जमहूर उसको चाहे, उसको पसंद करे और उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और को न सुने, किसी और को न चाहे। इंतहा फकत इस हुक्म और तामीर की ये नहीं कि चाहना और न चाहना बात यहां खत्म हो, नहीं। मोहब्बत करो, मोहब्बत अकीदत तक पहुंच जाए तो और अच्छा। अकीदत अगर पीरी मुरीदी तक पहुंचे तो और अच्छा। और वहां अगर इख्तदार मुर्शिद राह बन जाए तो क्या कहना, हुजूर ये दुनिया भी आखिरी से लेंगे, दीन आखिरी रहबर बनेंगे, चलो सहारा दे दो। तो अगर से नहीं को दीन से मतलब न दुनिया से मतलब, लेकिन फिर भी इख्तदार का सहारा ये बतला रहा है कि हम अच्छा आओ, हमारी तरफ आओ, हम नजात से जिम्मेदार बन जाते हैं। तो ये है हमारा मुशाहिदा। जब दीन को लिए तुमको कुछ करना है तो जब दुनिया को पसंद कर चुके इस अमर के लिए तो दीन में क्यों इसी अमर को पसंद नहीं करते? क्यों उस कुदरत आला और कुदरत मुतलका के हुक्म की तामील नहीं करते? क्यों ये गौर नहीं करते कि उससे मोहब्बतों को मुसलसल होना है और उसी के लिए मोहब्बतों को बाकी रहना है? अगर ये चंद बातें जहन में हैं तो फिर इस मसले को भी तय कर लीजिए कि यहां दुनियावी एतबार से जो चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए, जो चाहता है कि सिर्फ उसी को चाहा जाए, वो ये नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि अगर से मेरा रफीक कार सही मगर तुम उससे भी उतनी ही मोहब्बत करो। वो ये नहीं चाहता कि मेरे और शुरकाए कार हैं, तुम्हारी मोहब्बत से उससे भी वैसी ही हो जैसी के मुझसे है। वहीं से रहावत भड़क उठती है और जहां मालूम हुआ कि मुझसे मोहब्बत करने वाला उससे भी इतनी मोहब्बत करता है, बिठा दो, दिया दो, हटा दो, महफिल से उठा दो। मगर उतना मुतलका वो कि अगर मुझे चाहते हो तो रसूल को भी चाहो। जाते वाजिब गनी है, वहां रिकावट नहीं। यहां ये कि हाकिम को चाहते हो तो वो हाकिम ही का कोई मोतमर सही, खबरदार उससे इतनी मोहब्बत न रखो कि कहीं गुमान बद पैदा हो, कहीं शुबहात पैदा हो और वहां वो इतना गनी कि मुझको चाहो, मेरे रसूल से मोहब्बत करो। और हाँ, मैं और रसूल तो मोहब्बत का मरकज है, मगर सुनो, जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत हो। जिहाद फी सबीलिल्लाह कोई मकान है, कोई तिजारत है, कोई शख्स है? बहुत गौर से सुनिए,
जहाज श्री जमीन कोई दरके जमीन है, जहाज श्री जमीन कोई बैतुल माल का कमरा है, जहाज श्री जमीन से मोहब्बत रहे। मतलब ये कि जहाज श्री जमीन की मोहब्बत ये हो कि बेटा छूटे, बेटी छूटे, बीवी छूटे, मालो मका छूटे, तुम्हारी जान छूटे, तुम छूटो, मगर रहे हक में। जब राहे जहाज में आगे बढ़ो तो फिर अब किसी की मोहब्बत न रहे, अब अल्लाह ही अल्लाह सामने हो तो खुदा तो इस मोहब्बत का मुतालबा कर रहा है कि खबरदार, अगर जहाज की मोहब्बत कम हो गई तो समझो अजाब आएगा। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, जहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत, ये आयत सूरह तौबा की है। सूरह तौबा कलाम मजीद का नवा सूरा है। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान ला चुके वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है, शदीद याने वो गैर खुदा से फिर मोहब्बत नहीं रखते, वो गैर को आने नहीं देते जहन में, अल्लाह ही अल्लाह है। इसलिए मुस्लिम जो दीने अक्ल और मोहब्बत रखता है, ला इलाहा से कलमे को शुरू करता है ताकि इल्लल्लाह मुस्तहकम हो, नफी करता है ताकि इस बात जाहिर हो, मुस्लिम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, इसलिए कहता है कि दुनिया ये जान ले कि तौहीद में ला कह के आया है। मतलब ये कि इलाह की मर्जी के अलावा, अल्लाह की मर्जी के अलावा अब किसी की मर्जी काबिल कबूल नहीं। उसने मोहम्मद को रसूल बनाया तो फिर मुसैलमाए सज्जाल रसूल नहीं, फिर सज्जाहे तमीमी रसूल नहीं, फिर अस्वद अंसी रसूल नहीं। वहां ऐलान करता जाता है कि देखो तली है असली रसूल नहीं। ये चारों ने रिसालत का दावा किया था, बादे खत्मी मर्तबत, और कोई जमाने खत्मी मर्तबत में यह दावा कर चुका था। उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म पर चलता हूँ, किसी गैर को इलाह नहीं समझता, गैर मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, गैर से मोहब्बत नहीं करता, मैं रसूल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि रसूल की तरफ आगे बढ़ने से मेरा खुदा की तरफ आगे बढ़ना साबित हो जाए, और दुनिया जान ले कि जो रसूल से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। आयत मंसूख नहीं हुई, सूरह तौबा की ये आयत मंसूख नहीं है कि अगर माँ बाप की, औलाद की, अजवाज की, मकानात की और तजारतों की मोहब्बत खुदा रसूल और जहाद की सबीलिल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए तो ठहरो अमर खुदा आ रहा है। ये आयत मंसूख नहीं, मोहब्बत खुदा बाकी, मोहब्बत रसूल बाकी, मोहब्बत जहाद बाकी, और दुनिया की मोहब्बतों का अब कोई जिक्र नहीं। दुनिया की मोहब्बतों का कोई जिक्र नहीं, और अगर मोहब्बत करना ही चाहते हो बेटे को इसलिए चाहो कि वो भी वही पे खुदा है, बाप को इसलिए चाहो कि वो भी वही पे खुदा है, अजवाज को इसलिए चाहो कि वो भी खुदा को दोस्त रखती है, घर को, तिजारत को इसलिए चाहो कि वो भी खुदा की राह में सर्फ होने वाले हैं। अगर ये तसव्वुर है तो ये मोहब्बतें मुबारक, लेकिन अगर मोहब्बतें टकरा रही हैं तो जाओ, जाओ, तुम्हारा काम नहीं है।
जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक के लिए हो उसी को यहाँ आना है, तस्लीम की मंजिल पर आना है। जरूरत उसकी है जिसकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल और जहाँ फी सबीलिल्लाह से हो, मंसूर है मोहब्बत रसूल। मैं गुफ्तगु इल्मी कर रहा हूँ, मोहब्बत रसूल कुरान से मंसूस है। अगर कोई कहे मोहब्बत रसूल कोई शय नहीं तो वो मुस्लिम नहीं। मोहब्बत रसूल कुरान से साबित है, यानी हुक्म अकली रसूल से मोहब्बत है। रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत से फर्क नहीं। जिहाद फी सबीलिल्लाह पहचान मारेगा कि अल्लाह को कौन दोष रखता है, रसूल को कौन दोष रखता है। मेरी गुफ्तगु को आप समझ रहे हैं, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा हूं आगे ताकि आपकी मरियत से किसी मंजिल पर पहुंचू। इस आयत में यह कह दिया जाता खबरदार सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत से न बढ़े, काफी था। यह कह दिया जाता सारी मोहब्बतें रसूल की मोहब्बत से न बढ़े, काफी था। मगर नहीं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर आयत रुकती नहीं। जब तक जिहाद की सबीलिल्लाह से मोहब्बत न हो, ताकि जिहाद की सबीलिल्लाह में कोई आगे बढ़ के पहचानवाए तो रसूल कहे ये वो है खुदा और रसूल जिसको दोष रखता है, जो खुदा और रसूल को दोष रखता है। आप समझ गए, मोहब्बत रसूल नक्श कुरान और रसूल का खैबर में अलम देना मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सनद, बाब फजाइल अली अलम दूंगा उसको जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हो, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता हो। ये मोहब्बत कहां खुली? कहां खुली मोहब्बत? जिहाद फी सबीलिल्लाह में। क्यों? इससे पहले जिहाद में कोई न था। था मगर जिहाद में फकत जाना नहीं, सिवात कदम भी हो। जहां सिवात कदम हो वहां हुक्म होता है कि खुदा और रसूल इसको दोस्त रखते हैं। मैं बाबे फजाइल अली से यह हदीस आयत पढ़ रहा हूँ, मिल्लत मुस्लिमा के मुफक्किरीन मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि मोहब्बत अली इसलिए साबित कि खुदा और रसूल को यह दोस्त रखता है। खुदा और रसूल इसको दोस्त रखते हैं, खुदा की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत बेहुक्म रसूल उस अलमदार की मोहब्बत जिसको अलम देने कहा खुदा और रसूल इसको दोस्त रखते हैं। हमको और क्या चाहिए? जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हो अगर हम उसको दोस्त रखें। क्यों? इसलिए कि यहां सवाले रिकाबत नहीं। गुफ्तगु तमहीद में गुजर चुकी, दोनों का फायदा यह है मैं किसी को भी दोस्त रखूं खबरदार। तुम फकत मुझे चाहो मैं किसी को चाहूं तुम उनको रहना, मुझको चाहना। जो खतरा है खुद अपना, कहीं उनकी मोहब्बत न बढ़ जाए, खतरा है। इसलिए खबरदार उनको न चाहना। और यहाँ रखावतें नहीं, इसलिए कि एक की मोहब्बत दूसरे की मोहब्बत को कमी करती है। अल्लाह की मोहब्बत
रसूल की मोहब्बत, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत, तो अली की मोहब्बत मैं नाम न लूं अली का, जाने दीजिए जाने दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा। अली पैगरे जिहाद, अली सूरत जिहाद, अली ताक जिहाद, अली हस्ती जिहाद, अली हकीकत जिहाद, मोहब्बत है तो देखो अली से मोहब्बत करना हर मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है। और मैं उसी फरीजे को याद दिलाने के लिए आया हूँ। अगर अली को इंसान भुला दे, उस अली को जिसने मिल्लत में इंतजार नहीं चाहा, वो अली जिसने मिल्लत में फितना नहीं चाहा, वो अली जिसने मिल्लत में तफरीक को पसंद नहीं किया, वो अली के बाद रिसालत जब अबू सुफियान घर पर आए तो अली ने कहा, अबू सुफियान इन बातों में मुझे न ला, तू ये कहता है कि अगर मैं तलवार खींचूं तो तू मेरी मदद करके हक में आ जाएगा। अली हक के लिए बातिल की मदद नहीं चाहता। जाओ चुप अंबादल फितन सुकून नजात वो अरजुल अंतरी तिल मुनाफिरा, जाओ नजात की मौजों को जाओ फितने की मौजों को नजात के सफीनों से टकरा दो, मुनाफिक फैलाने वाले तरीकों से बाज आ जाओ। देखो ये राह गलत है, इस वक्त इन बातों को न फैलाओ। और मुझसे कहते हो मुझसे तो और मेरे पहलुओं में वो इल्म का दरिया जोश मार रहा है कि अगर मैं ज्यादा उन पर वलाहत से गुफ्तगू करूं तो तुम सांसे कांपने लगोगे जैसे अमीर कुएं ने पानी भर लेने के बाद डोरी की रस्सी कांपती है। फैलाओ वो अली जिसने फितना नहीं चाहा, वो अली जिसने इस्लाम की मदद की, वो अली जिससे पूछ पूछ कर सहाबाए किराम जंग के मैदान में लश्करों को भेजते थे, वो अली जिनके मशवरे से हुकूमतें हुई, वो अली जिनके अहकाम पर फैसले दिए गए, वो अली जिनकी अदावत की धूम थी, वो अली जिन्होंने शरीयत की लाज रख ली, वो अली जिसने कानून हक की इबादत की। उस अली के मुताबिक गलत फहमी ना हो कभी ना रहे अगर मुसलमान हो गुफ्तगू को, तो मुझे आज आगे जाना है मगर एक बात सुनाऊं, हम अगर अकलियत सही लेकिन ना काबिले ऐसे ना अकलियत नहीं, हम कम सही लेकिन इतने कम नहीं कि अपने हुकूक को न मनवाएं, अपने फराइज को न जतनाएं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस्लाम दीन अपनी मोहब्बत है तो सब मोहब्बत ही से काम लें, यानी बुनियाद अगर मोहब्बत हो तो अफकार में मोहब्बत झलकेगी। सुनो तारीख तबरी में फकत तन्हा एक रिवायत आई 130 हिजरी के बाद बनी उमैया के असर के साथ साथ एक रिवायत आई कि कोई अब्दुल्ला इब्ने सबा जीता था, यहूदी था और उसने फितना फैला दिया और वो अली को इंस्टॉल करना चाहता था, अली का तकर्रुर करना चाहता था। सुनो न ये तारीख है
न ये रिवायत है, न ये वाकया है, ये अफसाना तराजी है। और मैं आज चाहता ये हूँ कि मेरी आवाज उन जिम्मेदार इंसानों तक पहुंचे जो इस किताब को हमारे बच्चों के निकाब में दाखिल करते हैं। और ये अंग्रेजी की किताब है, पाकिस्तान हिस्टोरिकल रीडर। और इस किताब में जहाँ वो चाहते ये हैं कि खुलफाए इस्लाम को गुफ्तगू करें, वहाँ हजरत उस्मान को गुफ्तगू करते हैं। हमने कब खिलाफतों का इंतजार किया, हम तारीख के मुनकर नहीं है। कोई अकलमंद आदमी तारीख का इंतजार नहीं करता। तारीख और है, फजीलत और है। दो सूफी बसते हैं, दो। और इन दोनों सूफियों ने यह लिखा हजरत उस्मान के लिए, ही वाज वेरी नोबल एंड जेंटल, ही डिड नॉट लाइक टू बी स्टर्न एंड हार्श, इफ एनीथिंग ही वाज रादर टू लीनियंट। This is why Abdullah ibn Sabah succeeded in making a party of his own. People thought this Abdullah was a Muslim, but in reality he was a Jew. He wanted to create this cause among Muslims and set them against one another. He made a secret appeal to the people to choose Ali in place of Uthman, as Ali, he said, was the real heir of the Holy Prophet. Many followed him. His followers rose against the third Caliph. They made up their mind to murder or dethrone him. They besieged the Caliph's house for 22 days. Some of them then rushed into the house and threw him when he was reading the Quran. This was the first murder of the Caliph among the Muslims. This kitab ko nisab mein rakha. अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए तर्जमे की जरूरत नहीं, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत शुद्ध अंग्रेजी की हासिल है वो समय अंग्रेजी पढ़ते ही समझ गए। वो गंदा समझे तो मैं अपनी तरफ से इस तरह से समझाऊं ताकि अंग्रेजी का हजरात पर भी हकीकत वाजे हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था, 22 दिन तक इसने मुहासिरा किया। अब्दुल्ला इब्ने सबा एक यहूदी था, इस्लामिक एम्पायर उम्र के करीब तक जा रहा है। इस्लामिक एम्पायर कश्मीर तक आ चुका है, इस्लामिक एम्पायर अफ्रीका के सवा हिंद तक पहुंच चुका है, इस्लामी एम्पायर अजम में मौजूद है। इतने इख्तदार के साथ एक यहूदी, एक वो यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा जिसको तुम शियों का बानी समझते हो, खुदा उस पर लानत करे, खुदा उसके बाप पर लानत करे, खुदा उसके मानने वालों पर लानत करे। सबा एक यहूदी, उसकी यह मजाल है कि इस्लामिक एम्पायर में दाखिल होकर इख्तलाफ पैदा कर। लिखने वाले तुझे क्या हो गया, बंदरी क्यों पैदा हो गया? एक यहूदी आया, इतने बड़े एम्पायर की बुनियादें की आए, एक यहूदी आया और उसने इतनी बड़ी साजिश कर दी। सहाबा इकराम मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी है कि जिन्होंने मुख्तलिफ जंगें देखी, जिन्होंने मुख्तलिफ जहादों में देखा की, उनको नहीं मालूम कि ये यहूदी है और ये हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तुमने सहाबा की नजर की तौहीन की, तुमने सहाबा के इश्तिहाद की तौहीन की, तुमने सहाबा के फिक्र पर हमला कर दिया, तुमने रियासत इस्लामी के इश्तिहाद को अपने हाथों से पारा पारा किया, तुमने अब्दुल्ला इब्ने सबा का तस्करा करके अपने एहसास कमजोरी का तस्करा कर दिया। तुम ये समझते रहे एक यहूदी आया, उसकी ये कहना, उसका ये कहना था कि अली खलीफा हक है, अली खलीफा हक है। ये क्यों कहा? क्या दुनिया के यहूदी आज यही कहते हैं? मेरे दोस्त, गुफ्तगु को आगे बढ़ाना नहीं, दीन अक्लो मोहब्बत रखता हूँ, दीन अक्लो मोहब्बत का तकाजा करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने सबा के किस्से को छोड़िए छोड़िए, अब इसको जाने दीजिए। बड़ा पुराना किस्सा है, मगर अब सोच दिखता है कि हम कहते थे दीनिया, कहा गया इस्लामिया, नहीं ये दीनिया है ना इस्लामिया, ये इंग्लिश रीडर है, इंग्लिश हिस्टोरिकल रीडर।
यानी पाकिस्तान हिस्टोरिकल रीडर अंग्रेजी की किताबों में आप ये मेटीरियल देते हैं उसको क्रिश्चियन पढ़ेंगे। मैं क्रिश्चियन के मुकाबले में खड़ा हुआ हूँ, मैं उनके महाशत्रु कर रहा हूँ, आप मुझे यहूदी कहते हैं। आप मुझे यहूदी कहते हैं, जरा सोचिए तो, कुरान ने मसीहियों की लाज रख ली ये कह के मरियम दानिया नहीं, और यहूदियों ने इस्लाम ही पे हमला कर दिया। मैं खड़ा हुआ हूँ महार पर, मुसलसल गुफ्तगु हो रही है, और ये कहा जाता है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा के पैरों में जो अली को हक जानशीन बनते हैं। बहुत अफसोसनाक गलती होगी, बहुत अफसोसनाक गलती होगी। ये कहा जा सकता है कि इस गुफ्तगु की क्या जरूरत थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि बगैर गुफ्तगु के दुनिया का मामला कौन सा दुरुस्त होता है। आपको मालूम है बगैर गुफ्तगू के कौन सा मुतालबा पूरा होता है? दोस्त बच्चा पुकारता है भूख लगी, जवान तलब करता है अपने लिए गिदा को, मुलाजमतें ढूंढी जाती हैं, हुकूमत तलब किए जाते हैं। ये अंग्रेजी का लिटरेचर है, अगर यही अंग्रेजी का लिटरेचर है तो हमको इस्लामियात के निशाब की जरूरत नहीं। जहां नीयतें ये हो, जहां अंग्रेजी अदब ये हो कि वहां इस्लाम की तौहीन हो जाए। अब्दुल्लाह इब्ने सबा ने इस्लाम में फसाद फैला दिया, एक यहूदी बच्चे वहां रहा। आपको सिर्फ मैं उस मंजिल से खेल रहा था कि मोहब्बत अगर अली से नहीं है रसूल से तो रहे, जहाद फी सबीलिल्लाह से तो रहे, अल्लाह से तो रहे, भाई उनसे तो मोहब्बत रहे जिनको रसूल से मोहब्बत रही। अली से मोहब्बत किसको नहीं है? खाजगान चिश्ती जानशीना ने खाजे अजमेरी कहा जो अपने आप को सोहरवर्दी और नक्शबंदी कहते हैं, कहा मारू के कर्ती के मानने वाले, कहा वो सूफियाए किराम जो ये कहते हुए पाए गए, हैदरीशम पलंदरम मरतम बंदे मुर्तरा, वो क्यों आते नहीं, क्यों गुफ्तगू नहीं करते? अली अली हकीकत इंसान, अली जान ईमान, अली रूह हक, अली बंदा है, अब्द है, मकाम बंदगी में है, और वो बंदगी के आवाज खुदा का घर, अंजाम खुदा का घर। अली इसकी कोई बराबरी करेगा? चाहते इसीलिए है कि वो मोहब्बत गैर मुनफसिल है, गैर मुनफता है, टूटने वाली नहीं है। मैं और आप और हाजरीन सब के सब जो कुछ अर्ज किया गया उसी तरह से मुल्क और मिल्लत से वफादारी रखते हैं, हुकूमत से बेतनाई हमारा तरीका नहीं। बार बार किया कि जिसको जो काम करना हो करे, मुझसे पूछा भी गया लेकिन मैं चुप रहा, और अब भी चुप हूं। गुफ्तगु यह नहीं कि इस अकलियत में कुर्सियां कितने को मिली, यह गुफ्तगु नहीं, गुफ्तगु यह है इस किताब में यह क्यों लिखा गया, कुर्सी पर गुफ्तगु मेरा काम नहीं। कोई और बात करे कि उसको हक पहुंचता है कि नहीं, और हमको ज्यादा इल्म है, हम ज्यादा फिक्र नजर रखते हैं मिले या न मिले, मिले या न मिले,
मगर जिस चीज को मांगेंगे वो यही होगा कि रोते हुए जाएंगे, अलमसार जाएगा, मुनज्जम जाएंगे, किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, किसी के काम में दखल नहीं देंगे, कोई छेड़ेगा चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नामुनासिब कहेगा छेड़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कारवाने हुसैनी को ले जाना है। हमसे आप मुतमईन रहें, बगैर इंतजामी मुंतजिम हमसे मुतमईन रहे। कराची के कमिश्नर, कराची के DIG पुलिस कमिश्नर नए आए हैं, मैं उनसे वाकिफ नहीं, मगर DIG को बखूबी जानता हूँ, उनकी नेक नीयती से वाकिफ हूँ, उनके एहसान का कायल हूँ। वो भी मुतमईन रहे कि अगर उन्होंने कभी किसी मौके पर हमारी हिफाजत की तो इसलिए कि हम हिफाजत के हकदार थे। हम यही तमन्ना रखते हैं कि हम पुरान तरीके पर मातम चाहते हैं, पीना गोली चाहते हैं, अपने आप को मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। यह दुनिया इसी तरह से गुजरेगी। 1300 हिजरी है, पाकिस्तान में कितने बरस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी आपने हम में से किसी को इस तरह से तो नहीं पाया ना कि जहां आप एतराज करें कि इनका हल्का यह है। नहीं, क्यों? इस बात से कि हमारी मोहब्बतें उनसे है जिन्होंने कभी भी फितने को हवा नहीं दी, कभी भी फितने को हवा नहीं दी। कौन अली? अगर अली को आप इस तरह से इस मंजिल में सुनकर खुदा न खास्ता कभी का कातिल हो तो मेरे मुसलमान भाई, आपकी भी गिनती कुछ यहाँ कम नहीं है, आप भी हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे हैं। जाती तौर पर मैं इतने सुन्नी भाइयों की दोस्ती पर नाला हूँ कि वो जानते हैं और उनका दिल जानता है। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं, मौलाना रूम अली की मोहब्बत को गुफ्तगू करते हैं और कहते ये हैं कि जब मैदान जंग में अली ने तलवार फेंक दी और पहलवान ने पूछा कि अरे अली ये मुर्तदा, अरे साहेब हुस्नुल कदा, बतला तो दे तलवार क्यों फेंक दी? तो कहा कि तुमने अभी मुझे नहीं पहचाना। सौयम मन कब खुदायम आफ्ताब, मैं फकत साया हूं, आफ्ताब कोई और है। ये मौलाना रूम है, मौलाना रूम। सायाम मन कब खुदायम आफ्ताब, मैं साया हूं और आफ्ताब के साथ साथ हूं। हाजिबम नीस्तमूरा हिजाब, मैं जाते हक के लिए पर्दा नहीं हूं, मैं निगरा हूं कि कोई गलत इधर जाए। हाजिब और है, हिजाब और है, मैं हक का हिजाब नहीं हूं, मैं हाजिब हूं, मैं हाजिब हूं, इधर आए तो बेगाना ना आए। हाजिबम एक बार मौलाना रूम कहते अहम्बल्लाह आयत नामे मन, ताकि दुनिया जान ले कि मेरी मोहब्बतें फकत अल्लाह के लिए हैं। ताकि अब्दुल्लाह आयत कामे मन, ताकि दुनिया जान ले कि जिसको मैंने दुश्मन रखा अल्लाह के लिए दुश्मन रखा, जिसको मैंने दोस्त रखा अल्लाह के लिए, जिसको दुश्मन रखा अल्लाह के लिए। तो अहबल्लाह आयत नामे मन, ताकि अब्दुल्लाह आयत कामे मन,
ताकि आता मिलना आए बुंदेवान के जिसको तू खुदा के लिए दू, ताकि हमसे लीला आए जुंदेवान जिससे हाथ खेचू खुदा के लिए हाथ खेचू। मन लीला अताओ लीला वतन, मेरा बखल अल्लाह के लिए है, मेरी अता अल्लाह के लिए है। जुमला लीला हम नयम मन आने का, मैं सरताका अल्लाह के लिए हूँ, मैं अपने नफ्स की ताही पर चलने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के लिए हूँ। मौलाना रूम दफ्तर अव्वल जुमला लीला हम नयम मन आने का, जद तिहादो अस्तहर्री रस्ताम आस्ती पर दामने हक रस्ताम। न मुझे इश्तिहार की जरूरत है, न चौराहे पर खड़े होकर हैरान होने की जरूरत है कि किधर जाऊं। मैंने अपने आस्तीन को हक के दामन से बांध दिया है, हम जिधर ले जाए मैं उधर जाता हूँ। मौलाना रूम आपके भी मंजिल उनके वो जो अपने जिस्म को यूं पाए कर दे, वो जो अपने आयशे नफ को यूं कुचल दे, उसको मीरी की क्या फिक्र, उसको खिलाफत की क्या तमन्ना। उनके वो तंद्रा वो जो अपने जिस्म को यूं कुचल दे, उसको हिमसे मीरी और खिलाफत क्या। वो अली हम उनके गुलाम, न उनको हिल न हमको हवा। गुफ्तगु खत्म हुई, मैं किसी मंजिल पर पहुंचा। हमारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए है, हमारी दुश्मनियां अल्लाह के लिए है, हमारा जूद अता अल्लाह के लिए है, यहाँ पखलो इंसाफ अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है, ताकि बंदगी मुकम्मल हो, ताकि तस्लीम की खुशबू पैदा हो। मैं जब कहता हूँ हम तो उसके माना ये नहीं कि शिया इस्ना शरी मानिया, नहीं, हर वो मुसलमान हनफी सही शाफी सही मालिकी सही हम्बली सही, मगर हर वो मुसलमान जो आले मोहम्मद की मोहब्बत करता हो, जो अली से दोस्ती रखता हो, तो ये जानता हो कि आले मोहम्मद मोहब्बत के काबिल है। इनके सिवा कोई रूहानी सहारा नहीं है, इनके सिवा कोई रूहानी मोहब्बत के काबिल नहीं है। क्या अब्दुल मलिक ने भगवान से मोहब्बत करोगे? क्या वलीद ने अब्दुल मलिक से मोहब्बत करोगे? क्या मरवान हिमार से दोस्ती करोगे? उसके यकीन बच्चे रोएंगे तो उनका रखवाली ये कह सकता है, छोटे छोटे हुसैन के यकीन बच्चों को याद करो। देखो मुसलमानों, किसी का जवान भाई मर जाए तो क्या तुम बादशाहों से मिसाले? नहीं, तुम ये कहोगे अरे न रो, देखना अब बात की रात को हुसैन कैसे आए। आपने बहुत तकलीफ की, आपने मुझ पर एहसान किया, आप हमेशा मुझ पर एहसान करते हैं। मैंने यही चाहा कि इस वक्त जो कुछ कह दिया जाए वो आपको याद रह जाएगा, इसलिए कि गमोहम की शिद्दत और गर्मी की सख्ती में बहुत सी बातें याद रह जाती हैं। याद रखो, और यहाँ मेरे जिम्मेदार कारकुन वो मेरी तकरीर के एक एक लफ्ज को महफूज कर रहे हैं। गलत रिपोर्टिंग भी इंशाअल्लाह नहीं होगी, जब जरूरत हो कोई टेप किसी दोस्त से ले लिया जाए ताकि मुझको समझने में आसानी हो। तमाम मुसलमान इस मकसद वाहिद में मुस्तहिद हैं कि वो आले मोहम्मद के दोस्त हैं। हम खिलाफतों से परहेज नहीं करते, हम गुफ्तगू करते हैं करबला से, हम गुफ्तगू करते हैं करबला वाले से जिसका
बला वाले ने डिवीजन तलब किया, जिसकर बला वाले ने डिवीजन तलब किया, तकसीम राय को तलब किया, जिस करबला वाले ने कहा कि अब दो हिस्से हो जाए, कुछ उधर कुछ इधर, ताकि कयामत तक ये डिवीजन नजर आता रहे। हम हुसैन के साथ, हम हबीब के साथ, हम मुजरिम और खजा के साथ, हम हुर के साथ, हम आफिस ने अभी कभी साथ मोहम्मद के नवासे, मेरे दिल के चैन, मेरी आंखों के सुरूर, आपने 28 रजब संसार डिग्री को मदीना छोड़ा था। परबंदे रसूल मदीने वाले अब तक मुंतजिर हैं, देखे कब आए। परबंदे रसूल मदीने वालों को अब भी इंतजार है, देखे करबला के मुसाफिर कब आएंगे, कब आएंगे। तुम लोग 28 रजब को मदीना उजड़ा, 3 शाबान को मक्का मुअज्जमा सवारी पहुंची, हुसैन 8 ज़िलहिज तक मक्के में रहे, 8 ज़िलहिज को हुसैन मक्के से चले, ज़िलहिज की नमी को मुस्लिम शहीद हुए, ज़िलहिज की ईद हुसैन को रास्ते में हुई। मालूम नहीं मुस्लिम के यतीम बच्चों ने ईद कैसे की। दूसरी मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे, चौथी को दरिया से खेमे हटे, लश्कर पर लश्कर आया, सातवीं से पानी बंद हुआ, नवी को हुसैन घिर गए, दसवीं को ये घर करबला में लुटा। लिखा है कि करबला में घर बहरा का आ गए थे,
मगर सुनो, जिन शियों ने कत्ल किया अल्लाह उन पर लानत करे, उनके बाप दादा पर लानत करे, उनकी औलाद पर नस्लन दादा नस्ल लानत करे, अल्लाह उन पर लानत करे जिन्होंने हुसैन के लहू से अपने दामन को रंगने की कोशिश की, अल्लाह उन पर लानत करे जिन्होंने हुसैन पर पत्थर फेंके, अल्लाह उन पर लानत करे जिन्होंने नहरा का घर लूटा। एहतियात करें मुसलमान, एहतियात करें मेरे दोस्त, तुम सब मेरे साथ हो। तमाम जितने मुसलमान भाई हैं वो खुद एक दूसरे को तुम गौर और फिक्र के बाद ये कह दें कि जो कुछ लिखा जाता है कि फल गलत है। तो हर सूरत 12 की शाम को फासला चला, हुक्म दिया बड़ी देवी से जाना, दूर दूर के रास्तों से जाना, गुमनाम रास्तों से जाना, देखो जल्दी पहुंचना, क्योंकि दिन का रास्ता सरकार दिन में तय हुआ, दिन एक एक दिन में तय हुई, छोटे छोटे बच्चे ऊंटों पर से गिरते जाते और मरते जाते और माए सुधार की याली मेरा बच्चा शाम तक तेरी 40 करबला पहुंचे, 29 शाम पहुंचे, 29 का दिन शहर में आरास्तगी का दिन था, दरबार सज रहा था, दरबार में दमिश्क की जगह न थी इसलिए मस्जिद नबवी में दरबार हुआ, दमिश्क की मस्जिद में दरबार हुआ। मस्जिद दमिश्क की आज भी कोई जाके देख ले बहुत बड़ी मस्जिद है, वही दरबार हुआ था। और दिन भर के थके हुए उड़ रहे सफर को दरबार में पहुंचे, पर हुसैन नजर किया गया, मुस्लिम इक्तदार के मजहर में, मुस्लिम इक्तदार के मजहर में सर को देख कर कहा, बदर का बदला मिल गया, यौमंद यौम बदरिन, यौमंद यौम बदरिन, आज वो दिन है, आज वो दिन है। बहर सूरत दिन भर मसरूफ गुजरा, शहजादी ने खुतबा दिया, दुनिया की निगाहों ने जान लिया कि ये मोहम्मद का घराना आया है, किसी और घराने के बैदी नहीं है। शाम को कैद खाने में आए, अहले शाम इन शहजादियों के मानूस होते चले, बीबियां लड़कियां दरे जिंदान पे जमा होती, शहजादियों के हालात को पूछती, दिन भर रोती, शाम को घर जाती, अहले शाम में बगावत के आजार पैदा हुए, मगर यदीन मुझे था ऐसे में तड़प तड़प के बाप को याद कर करके एक बच्ची पर पाने में मर गई। उसने यजीद से उस बच्ची की कब्र जिंदान ही में बनी, आज तक वो जिंदान ही में है। रिहाई का हुक्म लाजिम था, बगावत को दूर करना था, अहले बैत रहा हुए 3 दिन तक शाम में मातम हुआ, जहरा ने मजलिसें की, ये मजलिसें दयालेमा की यादगार नहीं है, ये मजलिसें
सपरिया बादशाहनी यादगार नहीं है, यह मजलिस जैनब की यादगार है, यह मजलिस फातिमा की यादगार है। अब ये कारवां चला, यजीद ने कहा दीदी कुछ तोहफे ले जाइए, इरशाद फरमाया जैनब को किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारा लूटा हुआ सामान भी नहीं चाहिए, आले मोहम्मद जिसको लुटा देते हैं वापस नहीं लेते, अलबत्ता भाई का पैराहन मनवा दे, भाई का पैराहन सीने से लगा कर अली की बेटी चली, शाम की औरतों से ये कहती चली, शाम की औरतों मेरी एक बच्ची यहाँ रहेगी, चंद की आवाजें थी, उसने सरों के सामने अरब रक्त करते थे, अब जाते वक्त जुनून जा रहा है, ये जुनून जैनबो उन सुनो आज से बीमार का जुनून है, जब तक कयामत आएगी और जब तक ये दुनिया बाकी है इस जुलूस की नकल होती रहेगी, इस जुलूस के साथ साथ हम भी बराबर इसी तरह से अपने मजमों के साथ जिक्र हुसैन करते हुए अलम के पीछे पीछे मातम बुना जाएंगे, इसलिए जब बहन जा रही है भाई की कब्र पर। अब आप समझ गए एक और गलत बनी नूर जी है, असदुद्दौले दैलमी ने जुलूस नहीं निकाला, अगर उसने 356 या 356 हिजरी में कोई जुलूस की तैयारी की तो उसने भी तकलीफ की, उसने भी तासी की, उसने भी याद दहानी की, कहते कि शाम से काबिला करबला गया था, करबला से वो काबिला मदीना आया था, जरा उसका ख्याल रखना ताकि वो याद ताजा रहे, ताकि वो याद बाकी रहे, हमारे जुलूस की तारीख को लिखने की कोशिश न करो, हम अपनी तारीख को बेहतर जानते हैं, इस शाम से ये जुलूस चला आगे आगे घोड़े पर आगे बीमार, और उसके बाद नाकों पर महमिले, महमिलों में फैदानिया, पर इतना ही है कि कभी इन सवारियों के साथ इनके वारिस हुआ करते थे, अब इन सवारियों के साथ कोई नहीं है, ऐसे छूट के जा रहे हैं। अच्छा भाई एक बार सुन लो जुमले मोतरेदा, आप या जहाँ जहाँ मेरी आवाज जाएगी चूंकि आवाज महफूज हो रही है, उन सब की खिदमत में इतना अर्ज कर दूं, वो ये न समझे कि ये इतनी देर तक क्यों आज मसाइल से शगल गए, तो सबको सुना दो और सब सुन ले, आज 72 का जहलूम है, आज 72 का जहलूम है, आज एक शहीद का जहलूम है, लेकिन मैं खातमा तकरीर पर पहुंच रहा हूँ, अब उसमें कुछ इतनी ताकत नहीं, सिलसिला कलाम जारी है, काबिला पहुंचा, चादर ने सलाम किया, मैं आदर कबूल हुई,
भाई बहन जब कब्र से पड़ी भाई नाके से गिर पड़ी तो पुकार के साथ बहन आई है बड़ी जिम्मेदारियां थी जिम्मेदारियों की तकनीक की आई है। तीन दिन से आम रहा आज से बीमार ने कहा पुत्री अम्मा घर चलो अब घर चले मगर जब सब सवार हो गए तो मेरा बाप ने इनकार कर और मैं तो वाली की कब्र नहीं छोड़ूंगी मैं मदीने में जाके क्या करूंगी मेरी एक बच्ची शाम मेरा छह महीने का बच्चा मेरे मालिक की नहीं मिलेगा मेरी दुआ भी सुन लीजिए अल्लाह तुमको आबाद रखे अल्लाह तुम्हारे बच्चों को कामराज करे अल्लाह तुमको दुनिया में कामराज रखे अल्लाह तुमको आखिरत में आले मोहम्मद के काम अगर ये पूछे क्यों जाएंगा तेरे बाजुओं में रस्सी बंधी मैं क्या जवाब दूं फरमाया पुत्री अम्मा माँ आधा रजाई होना बल आधा पढ़ाई होना पुत्री अम्मा ये हमारे लिए जिल्लत नहीं है पुत्री अम्मा ये हमारे बदाई है सुनो यह नस है मासूम की जब तक कयामत बाकी है अगर कोई असीरी है हिदायत का तस्करा करे तो कोई एतराज न करे इसलिए कि ये फजाइल बयान हो रहे हैं कि क्या क्या मुसीबतें कही कैसा कैसा सब्र किया आले मोहम्मद ने काबिला पहुंचा बशीर ने इत्तला जाके मदीने में दी पहली आवाज बुलंद हुई या अहल यसरब अल्लाह अहल अहले यसरब मदीना रहने के काबिल नहीं हुसैन मारे गए रोलो जितना रोना है जल्दी जल्दी करता जाता हूँ इसलिए मैं थक रहा हूँ मालूम नहीं किस वक्त मुझे रुक जाना पड़े तो आज यही है कि मैं मंदिर तक पहुँचू मदरसों के बच्चे आए दौड़ के बशीर की सवारी को घेर लिया बच्चों ने पूछा बशीर हम मोहम्मद मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो एक मौतमा का हाथ छोड़ा कर मजमे में दौड़ा मैंने दौड़कर बच्चे को उठा लिया उनका शायद आगे तुम कौन हो मेरी सूरत देख के एक आंसू बहा के बच्चे ने कहा मेरे बाबा अब्बास मेरी दादी है मैं जिंदा का मैं लेके बोला
और जाके रावे पर मुंह रखा आहिस्ता का नाना